साबले ये सारी नहीं बोल रहे नमस्कार। तो आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट, मैं पारुल दुबे। इस समय एक ऐसी खबर आपके सामने लेके आया हूँ, आप विजुअल भी देख के समझ चुके होंगे कि किस तरह लोग जो हैं वो एक अपने कंधे पर ट्रांसफार्मर को लेकर चढ़ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं ये किस एरिया की बात है, ये कास्तीगढ़ ब्लॉक। अगर मैं इसी के साथ पंचायत की बात करूं, लोअर मंदार बी की है, और विलेज की अगर मैं बात करूं जाडान विलेज है। अगर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लगभग इस पंचायत में लगभग 2 महीने से जो लाइट नहीं थी, 2 महीने से जो ट्रांसफार्मर था 25 केवी का, वो वहाँ पे खराब पड़ा था। और वहाँ के लोग इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसलिए उस पर कोई बोल नहीं रहा था 2 महीने से, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर को लगभग 3 किलोमीटर नीचे उतारना और दोबारा ऊपर चढ़ाना एक आम बात नहीं है। उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने एक्शन जो है पीडी डिपार्टमेंट के, उनका दरवाज़ा खटखटाया, और उन्होंने सरपंच जो वहाँ के सरपंच है, उन्होंने वहाँ का उनका दरवाज़ा खटकाया और उनसे मांग की ट्रांसफार्मर की। तो उन्होंने अब 63 केवी का 63 केवी का उन्होंने ट्रांसफार्मर वहाँ के लोगों को दिया है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, फिर भी वहाँ के लोगों ने उस ट्रांसफार्मर को लगभग रोड से लेके 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे उसको ट्रांसफार्मर को लिया। जबकि हमारी जो वहाँ के जो सरपंच है उनसे भी बात हुई, गुलाम हुसैन वहाँ के सरपंच है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमसे ये बात करते हुए कहा कि जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा, इस ट्रांसफार्मर के बारे में कहा कि ट्रांसफार्मर दे दें, और साथ में एक्शन जी ने ये भी कहा कि ट्रांसफार्मर तो हम आपको दे देंगे, लेकिन कुछ लोग आपके वहाँ पे होंगे और कुछ लोग हमारे, यानी कि 10 लोग हमारे कम से कम होंगे डिपार्टमेंट के, और 10 लोग आपके भी होने चाहिए उस ट्रांसफार्मर को लगभग वहाँ पहुँचाने के लिए, उस लोकेशन पे पहुँचाने के लिए। लेकिन वैसा नहीं होता है। वहाँ के सरपंच से जो बात होती है, सरपंच वहाँ का कहता है कि मुझे सिर्फ एक लाइनमैन, वो भी उसी एरिया का लाइनमैन है, उसी वो लाइनमैन वहाँ पे था, और उसके अलावा डिपार्टमेंट का कोई भी वहाँ पे मेंबर मौजूद नहीं था। उन लोगों को वो ट्रांसफार्मर जो था 63 केवी का जो ट्रांसफार्मर था, वो अपने कंधों पे उठाकर लगभग 2 दिन उन्हें वहाँ पे लगे उस ट्रांसफार्मर को नीचे से ऊपर पहुँचाने में, 2 दिन उन्हें इस ट्रांसफार्मर को लगे पहुँचाने में। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी भी जो नेता, यहाँ कहें हम बात, इस समय बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हमने रोड यहाँ से लेके वहाँ पहुँचा दी, देसा के किस वैली में पहुँचा दी। लेकिन मैं अभी भी आपको बता दूँ, कास्तीगढ़ ब्लॉक की ये बात है, जाडान विलेज है और पंचायत मुंदार बी है, अपर लोअर मुंदार बी है। मैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ट्रांसफार्म पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट के बंदे नहीं आ सकते, एक ट्रांसफार्म वहां पे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं, और किस तरह के लोगों को वहां पे जो मुश्किल है वो हो रही थी। और किस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद इस बात से कि उन्होंने आखिरकार 2 महीने से क्यों इस ट्रांसफार्म की मांग नहीं की, और क्यों उसके बाद अब इनको दो, जाहिर सी बात है, एक जो लाइट है, लाइट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि आज के समय में लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को पढ़ना है उसके लिए लाइट होनी चाहिए, अंधेरे में आप कोई काम कर ही नहीं सकते, रात के अंधेरे में। क्योंकि आप अगर विलेज की मैं बात करूँगा, विलेज में काफ़ी सारे जंगली जानवर भी होते हैं, जंगली अगर मैं बात करूँगा सांप भी होते हैं, हर एक चीज़ जो है हमें लेके चलना पड़ता है। और जो सुविधा हमें दी जाती है गवर्नमेंट से, एक लाइट की, एक जो है, एक इसमें अगर मैं आपको बता दूँ, लाइट है, जो पानी है, और सड़क है,
ये एक बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड की जानी चाहिए हर जगह पे, और ये गवर्नमेंट का भी स्टेप होता है कि वो हर एक को प्रोवाइड होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँगा तो जो ये लोअर मुंदार है वहाँ पे अभी तक क्यों सड़क का कोई भी जो कनेक्टिविटी है वो क्यों नहीं की जा रही है, क्यों आखिरकार वहाँ के लिए उन लोगों के लिए सोचा नहीं जा रहा है। आप लोगों को मैं सबसे पहले ये कह दूं कि आप इस वीडियो पे नज़र डालें किस तरह से, आपने पहले भी कुछ विजुअल्स में देखा कि वहाँ के किस तरह लोग जो हैं वो ट्रांसफार्मर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप फिर से एक बार नज़र मारें इस वीडियो को कि आखिरकार किस तरह से ये जो यहाँ के लोग हैं वो इस ट्रांसफार्मर को नीचे से लेके ऊपर तक जा रहे हैं। मेरी आप सभी इस वीडियो को देखें, और साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करना चाहता हूं कि आखिरकार जो ये ब्लॉक कास्तीगढ़ है, लोअर मुंदार बी पंचायत है, और विलेज की अगर मैं बात करूं जाडान है, इनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ सोचे और कुछ स्टेप ले, PMGSY के तहत हो या किसी भी स्कीम के तहत हो, इनके लिए सोचे, इनके लिए जितनी भी स्कीम्स हैं वो वहाँ तक पहुँचाए और ये लोग वहाँ का इन स्कीमों का बेनिफिट ले पाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील करना चाहूँगा और साथ में आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये वीडियो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचनी चाहिए, हर एक बंदे के पास पहुँचनी चाहिए कि आखिरकार आज के समय में भी किस तरह से जो लोग हैं उनको खुद ये ट्रांसफार्मर या किस तरह से कोई भी, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ट्रांसफार्मर में अगर कल को कोई वहाँ पे बीमार हो जाता है तो उसको किस तरह से वहाँ पे पहुँचाया जाएगा, या एमरजेंसी उनके एमरजेंसी में उसको किस तरह से हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में पहुँचाया जाएगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन विजुअल्स को देख के। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा नई खबर के साथ, आप देखते रहे, तब तक TLR।